अवकाश देखने में तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का बहुत नमस्कार। भाइयों बहनों, जैसे आप जानते हो कि आज हरियाणा विधानसभा में अंतरिम बजट पेश हुआ है और हमारे बीच में श्रीमती गीता बुग्गल जी सीनियर लीडर और एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, हरियाणा के अंदर मौजूद हैं। आइए आप हम उनसे पूछते हैं कि इस बजट की उनकी पार्टी और उनके व्यक्तिगत तौर पर क्या प्रतिक्रिया है। मैडम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी बजट के प्रति। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लास्ट बजट था और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह जी चक्रव्यूह में फंसकर रह गए। आंकड़ों का उन्होंने दिखाना तो चाहा, लेकिन इस बजट से हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमें उम्मीद थी कि जो जनधन के खाते खोले गए थे, इतने सारे बताया गया बार बार कि कम से कम लास्ट ईयर में ही 15-15 लाख रुपये आ जाएंगे, या हमारे पंजाब के समान वेतनमान की कर्मचारियों की हमारी पुरानी मांग थी, उम्मीद थी, कहा भी जा रहा था कि उनको पंजाब के समान वेतनमान दे दिया जाएगा, 60 साल की रिटायरमेंट एज है वो कर दी जाएगी, और विशेष तौर से किसानों के लिए जो पेंशन की हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, केवल भारत सरकार ने, क्योंकि चुनाव का समय है, 2-2 हज़ार रुपये खाता खोल के ज़्यादातर किसानों को प्रयास तो किया, लेकिन बहुत कम प्रतिशत उसमें कवर हुए हैं। कहना चाहूँगी कि ये बजट जो है, इसमें विशेष तौर से महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। सबसे कम हमारा कोई भी प्रदेश का बजट होता है, हमारा एक जो है सोशल वेलफेयर स्टेट होता है। हमें समाज के हिसाब से किस वर्ग को, खासतौर से महिलाओं को, दलितों को, बच्चों को किस तरह की सुरक्षा के लिए खासतौर से दी जानी चाहिए, तो शिक्षा का बजट में भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। शिक्षा के अधिकार कानून का इसमें जिक्र किया गया है, लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून बिल्कुल भी अच्छे ढंग से लागू नहीं हुआ। बोर्ड की परीक्षाएँ 5वीं और 8वीं में ये सरकार शुरू नहीं कर पाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खासतौर से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बजट में 20% से समथिंग कुछ उसमें दिया गया है, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम 20 लाख बच्चों को हम स्टाइफंड स्कॉलरशिप देते थे रेगुलर, और अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत उनको हम छात्रवृत्ति देते थे। पटल पर रखा गया 4 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत लंबे समय से उनकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो मैं समझती हूँ इस बजट में जो है, एक हमारी कोशिश थी कि एक अच्छा बजट होगा, लेकिन बजट बिल्कुल चुनाव के समय में लोग लुभावना बजट की उम्मीद कर रहे थे, हमारी उम्मीदों पर कतई खरा ये बजट नहीं उतरा है। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, कुछ ऐसा विशेष नहीं किया गया कि भाई यहाँ पर जो है कोई सुधार हो, और उसमें क्योंकि पहले ये था कि महिलाएं असुरक्षित हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं और विशेष तौर से दलित समाज की महिलाएं और बहन बेटियां जो हैं यहाँ पर असुरक्षित हैं, लेकिन अब तो देखा होगा कि एक नवजात शिशु भी जो है वो हॉस्पिटल से या वहाँ पर असुरक्षित है। तो मैं इस बजट को कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं देती। बजटरी एलोकेशन जो डिपार्टमेंट वाइज किया गया है उसका गहन तरीके से अच्छे से अध्ययन किया जाएगा, लेकिन खास तौर से सोशल जस्टिस के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बजट नहीं है। मैम, जैसे आपने अभी कहा कि बजट में कुछ नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बहुत कमज़ोर है प्रदेश के अंदर, और आपने मुद्दे भी उठाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, फिर भी हरियाणा की जनता पांचों नगर परिषदों काउंसिल के इलेक्शन में बीजेपी आ रही है, जींद में बीजेपी आ गई है, तो इसको आप किस चीज़ से लेकर, क्या 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 कांग्रेस इस इलेक्शन में इकट्ठा नहीं हो सकी, क्या कारण था जो उसका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रह सका? देखिए, विधानसभा का बजट है और विधानसभा का जो बजट पेश हुआ है, सरकार, हर सरकार आती है, रिवेन्यू रिसीट्स और जो भी है अपने हिसाब से बजट को पेश करने का प्रयास करती है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि चुनावी बजट है, तो इन्होंने कहा कि हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, लेकिन आपने पेट्रोल या डीजल से GST में उसको ले आते, या आप वैट कम करते ताकि महंगाई कम होती। आप जहाँ तक पांच मेयरों की बात कर रहे हैं, उसमें क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था, केवल मेयर में जीते हैं, जो पार्षदों में था उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे कांग्रेस के समर्थित, वैसे तो हमने सिंबल पर नहीं लड़ा था लेकिन ज़्यादातर वो जीते हैं। और जहाँ तक जींद उपचुनाव की बात है, देखिए, जिस भी सरकार का सरकार होती है ज़्यादातर वही जीतती है, और किस प्रकार की बातें आके सामने निकल कर आ रही हैं कि पार्टी ने कैंडिडेट तक इंपोर्ट करने का काम किया है। मैंने, आपने बात की है जिसकी सरकार होती है, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आप विधानसभा का चुनाव, अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप 100% मैं दावे के साथ कह सकती हूँ हमारी कांग्रेस जहाँ एकजुट होकर चुनाव भी लड़ेगी, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 में से 10 सीटें और हमारे विधानसभा में भी सरकार बनाने का काम करेगी। तो मैंने, जैसे अब प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है कांग्रेस के, उसको आप कांग्रेस के अंदर किस दृष्टि से देखती हो कि क्या आने वाले वक्त के अंदर प्रियंका जी का प्रभाव लोकसभा इलेक्शन में, जहां पर 40 सीटों पर यूपी के अंदर उनको बनाया गया है प्रभारी बनाया, वो उससे क्या फर्क पड़ेगा जनता का? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को जो है जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नियुक्त किया गया है और उनको यूपी में प्रभारी भी लगाया गया है, लेकिन केवल वो यूपी तक एक सीमित नहीं है, उनके आने से खासतौर से युवाओं में, महिलाओं और बहन बेटियों में
जो एक इंदिरा गांधी जी की छवि को लोग देखते हैं और जिस प्रकार से उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, लोगों को लगता है, और कांग्रेस के साथ वो पहले भी हमेशा प्रचार प्रसार करती रहती है, अब हम समझते हैं उनको केवल यूपी तक सीमित ना रख के पार्टी जरूर फैसला ले और ऑल इंडिया लेवल पर वो जाएंगी, और जिस प्रकार से वो बेबाकी ढंग से मुद्दों को उठाकर उनका जवाब देती हैं और कभी भी अपनी मर्यादा को क्रॉस नहीं करती, तो मैं समझती हूँ प्रियंका गांधी जी के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। आदरणीय हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको भी पूरी तरह से मजबूत। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते होंगे आज हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, आज बजट पेश हुआ है और हमारे बीच में श्री नसीम अहमद जी जो INLD के MLA हैं, दो बार रहे हैं MLA और हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए हम देखें कि इस बजट पर INLD की क्या प्रतिक्रिया है। नसीम जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप बजट को आप किस दृष्टि से देखते हो? देखिए, जहाँ तक वित्त मंत्री जी ने जो बजट पढ़ा है उसमें कहा गया है कि भाई ये बजट जो है इस बार कोई भार मुक्त है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगा है, जबकि इसमें देखने से पता चलता है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें टैक्स लगाया भी है और बढ़ाया भी है। पिछले साल जब बजट पेश किया गया था उस वक्त भी ये बातें कही गई थी कि ये जो है टैक्स फ्री बजट है, लेकिन उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग्स में और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पब्लिक पर टैक्स लगा दिए गए जो कि आज भी बदस्तूर जारी है। जहाँ तक आज इस बजट की बात है, ये पूरी तरीके से निराधार और एक जनता को एक धोखा देने वाला बजट है, जिसमें आम आदमी के लिए कोई फैसिलिटीज और कोई जो है कोई घोषणाएं नहीं है, सिर्फ एक चुनावी बजट कह सकते हैं इसको। चुनावी बजट में अपनी बड़ी बड़ी घोषणाओं को एक घोषित करने का इन्होंने काम किया है, और जहाँ तक मैं अपने मेवात क्षेत्र की बात करूँ, मेवात क्षेत्र का इसमें पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे हमारे रोड की बात हो, या मेवात के और MDA की बात हो, सबको आज इसमें पूरी तरीके से अनदेखा किया गया है, जो कि एक बहुत ही निराशजनक बजट है। नसीम जी, सबकी दिमाग में जहन में एक प्रश्न रहता है कि जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो मेवात के ऊपर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई हरियाणा बनने के बाद भी, इसका क्या कारण है कि वहाँ के लीडर कमजोर रहे हैं कि सरकार उस एरिया के प्रति उदासीन रही है? देखिए, हमेशा वहाँ पे जो सरकार का जो रवैया रहा है वो हमेशा उदासीन और बड़ा ही गैर जिम्मेदार तरीके से रहा है। आज भी आप देखते हैं जब मेवात MDA की बात करते हैं, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की, 1980 में मेरे वालिद साहब जब MLA थे, मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उसको सरकार से कह करके बनवाने का काम किया, लेकिन आज भी हम लोग बुनियादी मुद्दों पर हम जो है अपनी मांग कर रहे हैं। आप देखते हैं विधानसभा में हम जब अपनी बात करते हैं, सड़क के लिए, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो कि ये मुद्दे तो होने नहीं चाहिए थे, बिल्कुल ही होने, जाहिर सी बात है, हम परेशान होकर के, दुखी होकर के जब सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाते हैं तो जाहिर सी बात है मेवात की अनदेखी की जा रही है। और ये सरकार का दोगलापन है कि जहाँ एक तरफ हरियाणा में गुड़गांव जैसा जो है मल्टी सिटी भी, वो भी बिल्कुल साथ है और हमारे से 40 किलोमीटर हटके है, और फिर मेवात के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, तो कहीं सोचने वाली बात है और बड़ी निंदनीय बात है। तो आपके जहन में कुछ प्लानिंग्स तो होंगी जिसके कारण मेवात की डेवलपमेंट हो सके, क्या वो प्लानिंग्स आपने सरकार को बताई हैं लिखती तौर पर मुख्यमंत्री जी को कभी? देखिए, हमने जब भी MDB की मीटिंग हुई और विधानसभा के अंदर भी, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग ली, उसमें हम भी उसके मेंबर हैं और वो हमारे चेयरमैन है माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें भी हमने कई बार प्रस्ताव लिख करके दिया है कि एक तो आप जो हमारे जो कैंप भी बनाए, इसके साथ एक कॉरिडोर बनाइए, बिजनेस कॉरिडोर, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज और इस तरीके के जो है वहाँ पे आने चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए। आज रोज का मेव इंडस्ट्री को करीब 5 और 6 साल हो गए उसको घोषित किए हुए, लेकिन अभी तक वहाँ एक भी नाम मात्र कोई फैक्ट्री नहीं है। इस तरीके से जब जो है दिल्ली बड़ौदा हाईवे, नेशनल हाईवे निकाला जा रहा है, उसके साथ साथ हमें इंडस्ट्री एरिया भी बनाना चाहिए ताकि मेवात का डेवलपमेंट हो। मेवात में रेलवे लाइन की बहुत पुरानी डिमांड है, हमने कई बार लिख के, कई बार पर्सनली मिल के केंद्रीय मंत्रियों से मिले, लेकिन फिर भी जो है कोई हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पानी की बहुत पुरानी मांग है मेवात में, मेवात कैनाल के नाम से जो मेवात कैनाल फीडर है उसको बनवाने में सरकार उदासीन है, उसको जल्दी बनवाएं तो मेवात के लोगों को सिंचाई का पानी मिल जाए। आज मेवात में पीने के पानी भी उपलब्ध नहीं है, सिंचाई की दूर की बात है। और जहाँ तक इस बजट की बात है, ये बजट पूरी तरीके से पूरे हरियाणा के लिए एक बहुत ही रूखा बजट है। तो भाइयों बहनों, आपने देखा कि आज के युग में मेवात का क्षेत्र हरियाणा के किस तरह से जूझ रहा है, समस्याओं के बीच में जूझ रहा है, और हमारे बीच में नसीम अहमद जी हमारे MLA थे, ये हमारे बीच में मेवात से हैं, और हमारे बीच में नरवीर सिंह जी अपने PWD मंत्री हरियाणा सरकार मौजूद हैं। नरवीर सिंह, सबसे पहले ये बताइए कि इस बजट को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं पहले तो मैं कैप्टन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया, और ये बजट आम आदमी के लिए, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी, सबके लिए अच्छा बजट है। और पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बजट दिया, पिछली बार 1,15,000 करोड़ का बजट था, अब केला 1,32,000 करोड़ का आसपास बजट है हरियाणा को। और मैं तो PWD विभाग की बात करूँ तो पिछली बार से 14% ज़्यादा हमें बजट दिया। हमने पिछले साल भी अच्छी सड़कें बनाई, गुणवत्ता में अच्छी करी, पैसा ज़्यादा मिला, और अब के 14% ज़्यादा मिलेगा तो मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा की जनता को आवागमन में सुगम रास्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो आप जैसे अपने PWD की बात की, आज नितिन गडकरी जी आज
पंजाब के अंदर नेशनल हाईवे का उद्घाटन कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप हमें ये बताइए कि इसके अलावा आपकी प्रदेश की आपके हलके कॉन्स्टिट्यूंसी की कौन कौन सी दिक्कतें जो इस बजट में आपको लगता है पूरी होंगी? सड़कों के मामले में तकरीबन अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, जितने भी अपोजिशन के विधायक थे उन सब ने पहली बार कहा है कि भाई हरियाणा में सड़कों पर काम हुआ है, और मेरा ये मानना हमने ऐसी कोई सड़कें नहीं छोड़ी जो दिक्कत करती हूँ। तकरीबन सड़कें हमने ठीक बनाई है, DLP को छोड़ के सब सड़कें हमने नहीं कर दी। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में श्री नरवीर सिंह जी, PWD मंत्री हरियाणा सरकार थे, स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरा मनदीप गौतम जी के साथ, अर्थ प्रकाश टीवी।